लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सांसद जनता पार्टी के को छत्तीसगढ़ भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। आदिवासी नेता विक्रम उसेंडी को पार्टी का कमान सौंपने के पीछे भाजपा की आदिवासियों को साधने की रणनीति है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विक्रम उसेंडी ने कहा कि उनका लक्ष्य लोकसभा में पार्टी को जीत दिलाना है। विक्रम उसेंडी को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की पसंद भी माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद शायद ये पहला मौका था जब पार्टी के दफ्तर में मिठाई आई। कांकेर लोकसभा सीट से सांसद विक्रम उसेंडी को भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद से नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं थी। एक दिन पहले प्रदेश के दौरे से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दिल्ली लौटने और वहां संसदीय बोर्ड की बैठक के पहले नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई। विक्रम उसेंडी ने पार्टी की कमान मिलने के बाद ये कबूल किया कि घोषणा पत्र में खामियों की वजह से पार्टी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें नहीं मिली। जो कांग्रेस के घोषणा पत्र था, जो किसानों को लेके, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, चाहे 2500 धान की बोनस की बात हो, चाहे बेरोजगार रोजगार, ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे जो एक जनता को कहना चाहिए क्लिक करने वाले मुद्दे थे, इसका बड़ा एक असर तो हुआ था। विधानसभा चुनाव में प्रदेश के आदिवासी आरक्षित 29 में से 20 से ज्यादा सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। खुद विक्रम उसेंडी भी सांसद रहते हुए ही अंतागढ़ सीट से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन बस्तर समेत आदिवासियों को साधने की रणनीति में उनके सिर प्रदेश अध्यक्ष का ताज सजाया गया है। पूरी पार्टी को भरोसा है कि विक्रम उसेंडी के आने से भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। कांग्रेस ने इस फैसले को भाजपा की मौका परस्त राजनीति बताया है। हमारे प्रदेश के नए अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा दायित्व दिए गए हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को जब जब चुनाव में वैतरणी पार करना होता है तभी उनको आदिवासी चेहरा याद आता है। सिर्फ यूज और थ्रो का सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और आज भी चुनाव के सामने उनको महत्व दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में बस्तर और आदिवासी हमेशा केंद्र में होते हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों की रणनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने के साथ रमन सरकार में मंत्री और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रह चुके 53 साल के विक्रम उसेंडी कौन सा चमत्कार लोकसभा चुनाव में करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।